तू आ गया मेरे वफादार परिंदे, मेरे जानसार दोस्त। क्या खबर लाया है आका सामरी के दरबार से? आपकी आजादी का फरमान लाया हूँ, मैं से रिहाई का सामान लाया हूँ। मेरे आका, इतलिस में श्यामल शीशे के कैदखाने को बर्बाद करेगा और आपको आजाद करेगा। मेरे आका, सच? शाबाश शाबाश मेरे समझदार परिंदे। आका सामरी तुझे लंबी उम्र दे, तू झटपट मुझे इस कैद से आजाद कर दे। हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, मैं आजाद हो गया। जादूगर जिब्रान तेरा शुक्रगुजार है, तू सचमुच बड़ा जानिसार है, वफादार है। आज तूने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। आ चल, इस मनहूस गार से चल निकल। मैं उस दगाबाज मलिका इंगारा और जिले गुबार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जबले खाक के खाकी इंसान याद रखेंगे, जिब्रान के जाम से भी डरेंगे। आपने सच कहा मेरे आका। या सामरी, अपने तिलिस्मी हिसार में मुझे पढ़ा दे, मेरी हिफाजत कर, मेरी हिफाजत कर आका सामरी। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। बाजी हुजूर, जब से आपको हिकाक से इस लाजवाल हुस्न का नजराना लेकर आई हैं, आपके इस नए नए हुस्न के आगे सदियों पुराने चांद के जलवे भी पुराने लगने लगे हैं। हाँ बाजी हुजूर, आपके जलवों के आगे तो चंदा की चांदनी भी बूढ़ी लगने लगी है। बूढ़ी तो मैं हो गई हूँ। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे करतूतों का अंजाम हूँ, तुम्हारे गुनाहों का खमियाजा हूँ। गुनाह तुमने किए और खमियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, अपने आप को बड़ी मासूम समझती हो? ऐ गुनाह की पुतली, मैं तुम्हारे सारे करतूत जानती हूँ। ये तुम ही थी ना जिसने उन आशिक मिजाज नौजवानों को लूटा और उन्हें दरबदर का भिखारी बना दिया। मैंने अपने जलवों की दुकान जरूर सजा रखी है, मगर यहाँ मेरे जलवों के खरीदार बनकर आने वाले हर नौजवान को मैं पहले ही दिन अंजाम से आगाह कर देती हूँ। और मेरे खबरदार करने पर भी अगर कोई नौजवान संभलने के बजाय बहकना चाहे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मगर इन नौजवानों से तुम्हारा क्या सरोकार? कहीं कोई बर्बाद नौजवान तुम्हारा बेटा तो नहीं? खामोश ऐ बददिमाग लड़की, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर तुम्हें मुझसे क्यों शिकायत है? तुमने उन नौजवानों की जवानी को ही बर्बाद नहीं किया, मेरी जवानी और मेरे हुस्न को भी तबाह कर डाला। मैं 18 बरस की हसीन और जवान थी, और आज मैं 18 बरस की बूढ़ी हो चुकी हूँ। 1800 बरसों से जवान और हसीन थी? कहीं तुम शबा परी तो नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है मेरे साथ बहजबी, और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है।
मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आबेशबाब के बल पर सदा जवान रहना चाहती थी, मगर इसके लिए मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तुमने जो मुझे अशक्ति की थैली दी थी वो मैं सोचा था। उस थैली की दौलत झूठी थी, वो सुनहरी अशर्फियां अशर्फियां नहीं थी। मगर क्या, मैंने वो अशर्फियां नजराने के तौर पे आबेशबाब के आबशार में डाल दिए थे और मैं मुंह धोने गई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी झूठे नजराने के सबब असर उल्टा हो जाएगा और मेरी जवानी बुढ़ापे में और मेरी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। अगर वो शक्तियाँ झूठी थी तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि ये बात मैं भी नहीं जानती थी। सच पूछो तो धोखा हम दोनों के साथ हुआ है। जादूगर जिब्रान मुझे जादुई अशर्फियों की थैली देकर जादुई अंडा ले गया। वो के पास वो है, मैं नहीं। जादूगर जिब्रान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे भी आबेशबाब में बेनकाब कर दूंगी। उसके उल्टे सर से वो सैकड़ों बरस का बूढ़ा हो जाएगा और चंद सालों के बाद मौत उसे दबोच लेगी। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सजा की हकदार तो तू भी है। वो झूठी दौलत आखिर तू ही लेके आई थी ना मेरे पास। तूने अपने हुस्न को नुमाइश की चीज बना डाला था। देख अब मैं तेरे हुस्न की नुमाइश कैसे लगाती हूँ, तुझे इब्रत की तस्वीर कैसे बनाती हूँ। लोग तुझे देखेंगे और नसीहत पकड़ेंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो। हरगिज नहीं। सामरी की बलाएं मेरे साथ है। अब मेरे जादू का असर नहीं, मेरा कहर देख, इंगारा का हश्र देख, देख कि मैं क्या करता हूँ। दिखाइए मेरे आका। गजब हो गया मलिका इंगारा, गजब हो गया। गजब हमारे बगैर गजब कैसे हो गया? गजब ठाना, सितम करना इंगारा का काम है। इंगारा का हमारे होते गजब ढाने की जरूरत और कोई कैसे कर सकता है? जिस गजब की बात करती है आग महल की अदना कनीज। कनीज गुस्ताखी की माफी चाहती है मलिका इंगारा, मगर ये बदशगुनी मैंने अपनी आंखों से देखी है। बदशगुनी? कैसी बदशगुनी? आग महल की तिलिस्मी आग बुझ चुकी है। भड़कती हुई आग के शोले खामोश हो चुके हैं। मुकद्दस आग के मुहाफिज और पहरेदार मौत की नींद सो चुके हैं। मलिका क्या बकवास करती है तू? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है इंगारा, हो सकता है। जादूगरों का शहंशाह सामरी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तुम
तुम तो शीशे के तलुस में कैद खाने में थे। वो कैद खाना मैंने तेरे लिए खाली कर दिया है तगाबाज मलिका। मैं शोला हूँ, आग हूँ मैं, इंगारा हूँ इंगारा, नादान जादूगर, पल भर में तुझे जला कर राख कर दूंगी। मुझसे ना उलझ, वरना तेरी हस्ती मिटा कर खाक कर दूंगी। मेरा आका सौ बलाओं की एक बला है, तेरे पास क्या है गारा के इतना इतराती है, रक्कासा की तरह भल खाती है। बस जबान परिंदे खामोश खामोश, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अब तेरा जादू नहीं चलेगा। इसकी कब्र, इसकी मजार है। तो अब किसका इंतजार है मेरे आका, ठंडी आग लेकर बाहर निकलिए मौत की इस वादी से। ठंडी आग जिन्हें उबार, अब तेरी बारी है, तू ही ये आग मुझे देगा। क्या बात है मालिका? सनोवर, तुम दोनों रो क्यों रही हो? अरे बताओ भी क्या हुआ, बेंजामिन कहाँ है? बताओ बेंजामिन कहाँ है, बताओ बताओ मालिका, बेंजामिन कहाँ है बताओ, तुम बोलती क्यों नहीं, बेंजामिन कहाँ है बताओ। आका, ये पर्दा देखिए, जी
तुम्हें सब क्या होगा मेरी जमीन? तुम तो इस तस्वीर में कैद हो गई हो। जलाल, ये मेरे गुनाहों की सजा है। ये क्या कह रही हो मैं जबीन? मैं सच कह रही हूँ जलाल, मैंने अपने हुस्न को बिकाऊ बना दिया था। मैंने अपने हुस्न और जवानी की नुमाइश लगा रखी थी, सो मुकद्दर ने मुझे इबरत की तस्वीर बना डाला। जो लोग मेरे चाहत में लुट जाया करते थे, अब मुझे देखकर नफरत से लौट जाया करेंगे। सनम अब पत्थर की सनम बनकर रह गई है, इसे सिर्फ नफरत की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। नहीं सनम, नहीं, ना, ना। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ जलाल, मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मगर मैं इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ जलाल। मैं एक खुदगर्ज और खुद परस्त हसीना हूँ जो सिर्फ नफरत के काबिल है। मुझसे नफरत करो जलाल और लौट जाओ, लौट जाओ जलाल, लौट जाओ। नहीं मैं जमीन सुनो, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत वो होती है जो पत्थर को भी इंसान बना देती है, उसमें भी मोहब्बत की रूह डाल देती है। और मैं देख रहा हूं आज तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। जलाल, मैं जमीन, भले तुम मुझसे मोहब्बत का इकरार ना करो, मगर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नजरें, शर्म के बोझ से झुकी हुई तुम्हारी पलकें, सब मिलकर इकरार कर रही हैं महजबीन कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। जलाल, तुम साल भर मुझ पर हजारों अशर्फियां लुटाते रहे, मगर मैं तुम्हें मोहब्बत की एक सच्ची नजर भी न दे सकी। मगर आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक भी अशर्फी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हारी मोहब्बत का अनमोल खजाना पा लिया। अच्छा हुआ जलाल, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली और मेरा ये हाल हुआ। मगर तुमने ये नहीं बताया महजबीन कि तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे? बुरे लोगों से दोस्ती का अंजाम सदा बुरा होता है ना। मैंने जादूगर जिब्रान का साथ दिया, उसने मुझे मुर्गे सआदत के बदले दौलत दी, वो दौलत झूठी थी, वह सोने के सिक्कों का अक्स था। वो दौलत मैंने ले जाकर वह काम में शबाब परी को दे दी, शबाब परी ने वो दौलत आबे शबाब में डाल दी। झूठे नजराने के तहत आबे शबाब का असर जाता रहा। जब शबाब परी ने आबे शबाब का पानी पिया तो आबे शबाब के उल्टे असर के जरिए वो हजारों बरस की बूढ़ी बन गई। तो शबाब परी ने यहां आकर तुमसे इंतकाम लिया। मैं सब समझ गया महजबीन। मामू जिब्रान को अपने करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। अब तो तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगे ना, अब तो तुम्हें 1000 अशर्फियां देने की भी जरूरत नहीं रही। ये तो चाहता है कि तुमसे जुदा ना हो, मैं क्या करूं, मजबूरी है। मजबूर तो मैं हूँ जो इस तस्वीर में कैद हूँ, तुम तो आ सकते हो। नहीं आ सकता मैं कभी, नहीं आ सकता। बात असल में ये है
कि तुम्हारी तरह मेरे भाई बिलाल को भी, जिन्हें गुलफाम ने हिलने डुलने से मजबूर कर दिया है, उसका आधा जिस्म पत्थर का बना दिया है। मैं उसे मिलने जा रहा हूं और जिन्हें दौलत के साथ मुझे उस शैतान गुलफाम के पीछे कोई कार तक जाना होगा। जलाल, जब तुमसे सच्ची मोहब्बत न थी तो हम रोज मिला करते थे, और अब तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है तो जुदाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई है जलाल? शायद खुदा इस तरह हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत को और आपको अपनी मुहिम और मकसद में कामयाब करे जलाल। इंशाल्लाह। अच्छा मैं जमीन, अब मुझे इजाजत दो। खुदा हाफिज़।